आज से कुछ ही दिन बाद इंडिया की द मोस्ट अवेटेड सेल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल एंड अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है एंड गाइस जो ये छोटू एस ट्वेंटी थ्री है ना ये अभी इतना ज़्यादा डिमांड में चल रहा है एंड ऑलरेडी इतने अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है आने वाली सेल में तो इसके प्राइस और भी कम हो जाएंगे एंड ऑलमोस्ट एक वीक पहले इसके लिए वन यू आई सिक्स पॉइंट वन पॉइंट वन का अपडेट आया है ऑल द दिस अपडेट इज ऑल अबाउट गैलेक्सी ए आई बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों के डाउट है कि भाई इसका कैमरा डिग्रेड हुआ है या इम्प्रूव हुआ है या पहले जैसा है बैटरी कैसी है खराब हुई है इम्प्रूव हुई, हुई है या पहले जैसी है ओवर हीट करता है हीटिंग इशू परफॉर्मेंस में कोई भी लैग या कुछ भी देखने को मिला है कि नहीं ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हैं वो मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आंसर करूँगा ऑल्सो इसी के साथ कुछ आईफोन्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में मिलेंगे जैसे कि आईफोन 13 में भी आईफोन 14 भी तो क्या आपको उनको छोड़ के एस ट्वेंटी लेना चाहिए या स्टिल आईफोन 13 या कोई भी आईफोन का पुराना मॉडल आपको पिक करना चाहिए आने वाली सेल के अंदर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टड सो so, सबसे पहले अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो गाइस परफॉर्मेंस यहाँ पे लिटरली सेम है कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है अभी भी वन यू काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होता है यहाँ पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा मतलब जिस दिन से मैंने ये फ़ोन परचेज किया ना गाइस लिटरली इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ ऑल दो माई वर्स्ट वॉज़ इंजीनियरिंग तो ये फ़ोन गाइस कभी भी लैग नहीं होता एंड इसको मुझे लियोए ऑलमोस्ट अराउंड टू वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं इसमें मैं ऑलरेडी इनबॉक्सिंग बैटरी टेस्ट कैमरा टेस्ट की फुल वीडियो फुल रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उनको जाके देख सकते हैं सो so, जैसा कि मैं कह रहा था गाइज परफॉर्मेंस में कोई भी डाउनग्रेड देखने को नहीं मिला है कोई भी यहाँ पर हीटिंग इशू यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इशू यहाँ पर नहीं आए परफॉर्मेंस से रिलेटेड अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है डे टू डे टास्क में आप वीडियो एडिटिंग करते हैं आप कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इशू देखने को नहीं मिला है इनफैक्ट थोड़ा सा कूल चल रहा है मेरा फोन मे बी इट माइट बी बिकॉज ऑफ वेदर थोड़ा वेदर भी चेंज हुआ है थोड़ी। I don't know, उससे कुछ फर्क पड़ा होगा बट यप यहाँ पे डिग्रेड परफॉर्मेंस में तो देखने को बिल्कुल नहीं मिला हीटिंग इशू यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की इससे पहले मैंने इसका बैटरी टेस्ट बना रखा है फुल बैटरी टेस्ट वीडियो मैंने इस एस ट्वेंटी थ्री पर बना रखी है तो वहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है मुझे अराउंड आई थी साढ़े पाँच घंटे की एस ओ टी एंड वो जो मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम मिला था वो दोनों आउटडोर एंड इनडोर यूसेज का था तो उसमें मैंने कैमरा यूज़ किया था एंड्रॉयड ऑटो यूज़ किया था मैप यूज़ किया था काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर करी थी यूट्यूब का मेरा कंजप्शन था सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का एक घंटे से ज़्यादा कंजप्शन था क्योंकि आई थिंक कि हम में से काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि ट्विटर uh, हो गया है एंड नो स्नैपचैट हो गया ये सारे ऐप्स हम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एंड क्योंकि ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन भी है तो ऐसे ऐप कंज्यूम होने भी चाहिए यू नो स्नैपचैट का ख़ुद का कैमरा है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर इंस्टाग्राम का खुद का कैमरा है उसकी भी क्वालिटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी है को उस टेस्ट में मेरे को आया था साढ़े पाँच घंटे का बैटरी बैकअप एंड अभी गाइस मुझे इजीली यहाँ पे छः घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है बोथ इनडोर एंड आउटडोर यूसेज को मिलाकर सो आई वुड से कि बैटरी तो डिग्रेड नहीं हुई है बट थोड़ी सी इम्प्रूव ही हुई है क्योंकि यू नो गाइस दिस अपडेट इज ऑल अबाउट गैलेक्सी एआई सारे सारे यहाँ पे जो फोल्डेबल्स के लिए एआई आई फीचर्स लॉन्च हुए थे वही सेम फीचर यहाँ पे आ, जो बाकी जो ओल्डर मॉडल्स हैं एस सीरीज के एस ट्वेंटी थ्री एस ट्वेंटी टू सब के लिए यहाँ पर ला दिए गई हैं अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड कैमरा क्या कैमरा यहाँ पे डिग्रेड हुआ है नई गाइस कैमरा यहाँ पे बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं हुआ है हाँ मैं मान सकता हूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे थोड़ी वो चेंज हुई है पहले एस ट्वेंटी थोड़ी ज़्यादा कलरफुल फ़ोटो लेता था अब थोड़े से नेचुरल शॉट ही लेने के लेने लग गया है बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिल ये कभी कभी कलरफुल शॉट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है बट स्टिल आई आई वुडन से कि ये कोई डिग्रेड है बट आई वुडेंट से इधर कि ये कोई अपग्रेड है तो कैमरा सेंशली पहले जैसा जैसे पहले था कैमरा अभी भी वैसा ही है इसमें कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट या यू नो डिग्रेड देखने को यहाँ पे नहीं मिला है ऑल्सो एंड क्योंकि अभी हम डिग्रेड की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा देखो क्या हुआ ये फ़ोन 2023 में लॉन्च हुआ था राइट एंड उस टाइम जो कैमरा था एंड आज जो कैमरा है उसमें थोड़ा फर्क देखने को ऑब्वियसली मिलेगा बट गाइज उसको हम डिग्रेड नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो लेंस तो हमारे स्टिल सेम है ना पोस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे चेंज हुई है अब एक और मेरी बात सुनो जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लेट सपोज आप एक यूज़र हैं जिसको एक सैमसंग का नया फ़ोन बाय करना है एंड आपका बजट है अराउंड पचास का आप लेना चाहते हैं एस जब आप इस फोन को लेंगे इसका कैमरा यूज करेंगे तो आपको कैमरा बुरा लगेगा बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट यू गाइज विल बी शॉक्ड। तो पचास हजार के अंडर इसका कैमरा गाइज स्टिल इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि इसके कंपैरिज़न में और कोई कैमरा है ही नहीं आप वीडियो ले लो फोटोग्राफी ले लो आप साउंड रिकॉर्डिंग ले लो मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा फिनॉमिनल है इस फ़ोन के लिए इस प्राइस के हिसाब से तो जो लोग कह रहे हैं ना इसका कैमरा डिग्रेड हुआ है गाइस वो सारे लॉन्ग टर्म यूज़र्स हैं क्योंकि उन्होंने इसके कैमरा की पोस्ट प्रोसेसिंग को बदलते हुए देखा है बट अगर आप मेरी तरह नए यूज़र हैं जैसे कि मैंने इस फ़ोन को अराउंड टू वीक्स पहले परचेज़ किया अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल चुका हूँ या आप परचेज़ करने वाले हैं आने वाली फ़्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में या अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में तो गाइज़ आपको ये कैमरा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये मैं लिख के दे रहा हूँ इनफैक्ट यू गाइज़ विल बी शॉकड जैसा कि मैंने पहले कहा ए के फीचर्स यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड किए गए हैं उस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि गाइज़ काफ़ी सारे फीचर्स हैं एक इसी वीडियो में कवर करना उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सो so, अब बात आती है आईफोन के कंपैरिजन में इसका कैमरा कैसा है तो गाइस मैंने जो अपनी रियल लाइफ कैमरा टेस्ट बनाई है इस फ़ोन के ऊपर वो मैंने बनाई थी आईफोन 15 के कंपैरिजन के साथ तो मैंने इसको आईफोन 15 से कंपैरिजन किया गाइस जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था उसके कंपैरिजन में डे लाइट में कुछ फ़र्क नहीं है इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड गाइज इसके ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर पूरी वीडियो बना रखी है बट स्टिल मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे एस ट्वेंटी ने परफेक्ट शॉट निकाला है इनफैक्ट ये फोटो लिटरली सोशल मीडिया रेडी आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो इसको एज अ प्रोफेशनल फोटो भी यूज़ कर सकते हो अब क्योंकि इसने ऑलरेडी डे लाइट में आई 15 को ऑलमोस्ट बीट कर दिया सो डू यू एज़ रियली थिंक कि आई 13 एंड आई 14 इसके सामने टिक पाएंगे आई डों थिंग सो हाँ जहाँ आई फोन फिफ्टीन थोड़ा सा बेटर निकला वो था नाइट फोटोग्राफी वहाँ पर आई फोन फिफ्टीन थोड़ा सा बेटर था बट इसमें गाय इस कुछ सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं यू नो नाइट मोड आप ऑलवेज यूज़ कर सकते हैं एंड नाइट मोड डज मेक अ डिफरेंस वीडियो में अगर आपको नाइट मोड चाहिए तो उसके लिए वैसे कोई अलग से नाइट मोड नहीं है बट आप कैमरा सेटिंग्स में जा सकते हैं एंड वहाँ पे ऑटो एफपीएस जो वहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है उसको आप थर्टी टू सिक्सटी कर सकते हैं एंड दिस सेटिंग्स विल मेक श्योर कि जब भी कोई भी डार्क सीन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके एफपीएस ड्रॉप हो जाएंगे और आपकी वीडियो थोड़ी सी ब्राइट लगेगी द सेम थिंग इज़ वाट एप्पल डज इन देयर आई फोन ये और भी ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके ठीक है गाइस तो कैमरा में तो आई फोन फिफ्टीन का इससे नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चलता है एस ट्वेंटी थ्री का पोर्ट्रेट में एस ट्वेंटी थ्री आई फोन फिफ्टीन को ऑलरेडी बीट कर रखा है सो आई डू नॉट थिंक कि आई फोन थर्टीन या आई फोन फोर्टीन यहाँ पे मतलब कोई चांस है इसके साथ तो अगर मैं बोलूँ कि आई फोन तेरह चौदह पंद्रह एंड एस ट्वेंटी थ्री में से आपको कौन सा पिक करना चाहिए तो आई वुड डेफिनेटली से कि गाइस इस फोन को पिक कर लेना यू गाइस विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल सो गाइस इतना ही था इस वीडियो में एंड आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने ऐसी वाली होम स्क्रीन कैसे बनाई सो uh, so इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा एंड यू नो जस्ट ऑल अबाउट यू नो द राइट कस्टमाइजेशन ऑफ वन यू आई लॉन्चर सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन